हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 में चैप्टर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की एनसीईआरटी एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 3 दे रखा है, स्टेट विद रीजन, हमें रीजन भी बताओ, रीजन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर टर्म आर लाइक टर्म एंड विच आर टू बी अनलाइक टर्म। लाइक टर्म कौन सी और अनलाइक टर्म कौन सी है। देखो, लाइक उन्हें बोलेंगे जिनके वेरिएबल सेम होंगे। वेरिएबल कहते हैं उन एल्जेब्रिक नंबर को, यानी कि ABCD को, जो कि इनके साथ में न्यूमेरिकल नंबर के साथ में दिए जाते हैं, जैसे कि x हो गया, y हो गया। ठीक है, ये होते हमारे वेरिएबल। अगर दोनों के अंदर वेरिएबल एक जैसे हों, x है तो x इसमें होना चाहिए, y इसमें तो y इसमें होना चाहिए, दोनों के अंदर सेम होते तो उन्हें बोलेंगे हम लाइक टर्म। हाँ, न्यूमेरिकल नंबर जो मर्जी हो, 5, 10, 15, 20, 25, 1000, 2000, जो मर्जी हो, फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल सेम होते तो उन्हें बोलेंगे हम लाइक टर्म। जैसे कि इसमें x है, इसमें y है, दोनों में अलग अलग है तो ये अनलाइक होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में डिफरेंट वेरिएबल है। x है, नंबर चाहे जो मर्जी हो, नंबर अलग हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेरिएबल सेम है तो ये लाइक टर्म होगी। ए बी इसमें, बी ए इसमें, आगे पीछे करके दे दो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ए इंटू बी, बी इंटू ए, ए के मतलब होता है, तो दोनों का वेरिएबल सेम है, इस वजह से ये लाइक है। एक्स वाई, एक्स इसमें एक्स है, इसे एक्स है, वाई है इसमें, वाई नहीं है, तो ये इसमें वाई वेरिएबल नहीं है, इस वजह से ये अनलाइक टर्म होगी। एक्स वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर वाई, तो इसमें वाई के ऊपर स्क्वेयर, इसमें एक्स के ऊपर स्क्वेयर, दोनों डिफरेंट है, इसलिए भी क्या होंगे, अनलाइक होंगे। अब इनको मैं प्रॉपर वे में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। यानी कहा 7x 12y, दोनों के वेरिएबल क्या है, डिफरेंट है, क्या लिख देता हूँ मैं, 7x एंड 12y हैव अ डिफरेंट वेरिएबल्स। डिफरेंट वेरिएबल है इस वजह से, सो दे आर अनलाइक टर्म्स। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, 15x माइनस का 21x। मैंने इसमें क्या बताया, दोनों का वेरिएबल सेम है, इसलिए क्या होगी, ये लाइक टर्म होगी। तो स्टूडेंट, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कि 15x और -21x के वेरिएबल सेम है, इस वजह से ये लाइक टर्म होगी। सेम टू सेम यही रीज़न इसमें भी आएगा कि माइनस का 4ab एंड 7ba हैव अ सेम वेरिएबल, दोनों का वेरिएबल सेम है, कौन है, ए बी इसमें ए बी लिख देंगे, चाहे बी ए दे रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, सो दे आर लाइक टर्म्स। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे फोर्थ पार्ट को, 3xy, यहाँ लिखा मैंने 3x। अब यहाँ पर दोनों को वेरिएबल सेम नहीं है, यहाँ एक्स वाई, यहाँ पे एक्स है, वाई की कमी है, तो इस वजह से ये अनलाइक होंगे, इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट, फिफ्थ पार्ट को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। देखो, इसका वेरिएबल एक्स वाई स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर वाई है, दोनों के वेरिएबल क्या डिफरेंट है, इस वजह से ये अनलाइक टर्म होगी। ये हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया। अब डिस्कस करेंगे इसका सिक्स्थ पार्ट। अब स्टूडेंट देखो, सिक्स पार्ट में हमें क्या दे रखा है, PQ स्क्वायर, दोनों को वेरिएबल सेम है, इस वजह से ये क्या कहलाएंगी, लाइक टर्म कहलाएंगी। तो स्टूडेंट, इसको मैंने यहाँ लिख दिया है कि दोनों के जो वेरिएबल है वो सेम है, पी क्यू स्क्वेयर, इस वजह से दोनों होंगे लाइक टर्म। अब यहाँ पर एम एन स्क्वेयर है, यहाँ पे एम एन है, इस पे स्क्वेयर, इस पे स्क्वेयर नहीं है, तो दोनों के वेरिएबल सेम तो नहीं हुए, डिफरेंट हुए, अगर डिफरेंट वेरिएबल है तो ये अनलाइक टर्म होंगी। तो स्टूडेंट, यहाँ मैंने लिख दिया है कि सिंस एम एन स्क्वेयर और टेन एम एन हैव अ डिफरेंट वेरिएबल, इस वजह से ये अनलाइक टर्म होगी। क्लियर, इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 को। बोला कलेक्ट लाइक टर्म, लाइक टर्म को एक साथ इकट्ठा करो और उसको सिंप्लीफाई करो एक्सप्रेशन में। ठीक है, चलो करना शुरू करते हैं। 12m2, देखो m स्क्वेयर है, इसमें भी m स्क्वेयर है, इनको एक साथ रख लिया हमने। ठीक, फिर 9m + 5m - 7m, जो m वाली टर्म थी सबको एक साथ कर लिया, m स्क्वेयर वाली टर्म को एक साथ कर लिया, बचा कौन, जो न्यूमेरिकल नंबर है, ओनली न्यूमेरिकल नंबर, कॉन्स्टेंट टर्म है, वो रख मैंने एक साथ रख लिया। 1 + 2 - 1 - को अगर वेरिएबल सेम होते हैं तो ही नंबर प्लस या माइनस होगा, तो 12 में से 4 माइनस किए कितना आया, 8m2। बड़ा कौन है, प्लस का, तो निशान आएगा प्लस का, प्लस लगाना ज़रूरी नहीं होता, लगाना तो लगाओ, ना भी लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये देखो, ये भी डिजिट माइनस का, ये भी डिजिट माइनस का, दोनों माइनस के, दोनों माइनस के, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 16m प्लस में 5m। ठीक, यहाँ लिखा 8m2, एक डिजिट माइनस को, एक डिजिट प्लस को सेम हो और वेरिएबल भी सेम हो तो प्लस माइनस होंगे, 16 में से 5 गए 11, बड़ा कौन है, माइनस का, तो निशान आया माइनस का, प्लस में 10। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया एग्जांपल नंबर 4 का। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।